भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी की नगरी बलदेव में बुधवार को कोड़े मार होली खेली गई। हुरंगे में हुरियारों और हुरियारनों के बीच जमकर होली खेली गई। मंदिर परिसर में रंग बिरंगे परंपरागत परिधानों में सजी महिलाओं ने होली खेलने आए पुरुषों के कपड़ों को फाड़कर उन पर प्रेम से पगे कोड़े बरसाए। ब्रज की इस अनूठी होली को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे और इन अद्भुत क्षणों के साक्षी बने। बता दें कि ब्रज की लठामार होली की तरह दाऊजी का हुरंगा भी होली का एक विशेष कार्यक्रम है। यहां की होली थोड़ी अलग तरह से मनाई जाती है। यहां पर हुरियारे ने ना तो हुरियारों पर लाठी बरसाती है और ना ही फूल, बल्कि उनके कपड़े फाड़ कर उनसे कोड़ा बनाकर उन्ही की पीठ पर प्रहार करती है। बुधवार को दाऊजी मंदिर के होद टेसू के रंगों से लबालब थे और होली की जैसे ही शुरुआत हुई मंदिर प्रांगण रंगीन पानी के तालाब की तरह दिखाई देने लगा। विश्व प्रसिद्ध इस होली आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। सुबह मंदिर के चौक में समाज गायन के साथ ही होली की शुरुआत हुई। बलदाऊ जी के हुरंगा की परंपरा के अनुसार हुरियारों ने अपने अपने निवास पर भांग घोट कर दाऊ जी महाराज को अर्पित कर भोग लगाया और कहा कि दाऊ दयाल ब्रज के राजा, भांग पीवे तो यहां पे आ जा। इसके बाद होली के रसिया गाते हुए हुरियारनों ने और हुरियारों ने मंदिर में प्रवेश किया। इससे पूर्व हुरंगी की शुरुआत में गीत संगीत के साथ साथ हाथ में झंडा लेकर श्री दाऊ जी महाराज को आमंत्रित किया गया। हुरंगा शुरू हुआ तो मंदिर में स्थित रंगों से भरे होदों से बाल्टियों में रंग भरकर हुरियारे और हुरियारनों ने डाला और इसके बाद हुरियारनों ने हुरियारों के कपड़े फाड़कर उनसे कोड़ा बनाया और उन्हीं की पीठ पर प्रहार करना शुरू कर दिया। दाऊजी हुरंगा में होली खेलने आए श्रद्धालुओं ने जमकर होली खेली। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहां हुरंगा होता है और सब जगह ब्रज में होली होती है। मन प्रसन्न हो गया यहां के हुरंगा को देखकर यहां के हुरियारनों के द्वारा जो कोड़े बरसाए गए। दाऊजी महाराज के मंदिर रिसीवर राम कटोरा ने बताया कि यहां प्राचीन काल से ही इसी तरह का हुरंगा खेला जाता है और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यहां पर गोपियों के साथ हुरंगा खेला था। भगवान श्री कृष्ण के समय से ही यहां पर हुरंगा का आयोजन किया जाता है। ये बड़ा ही अलौकिक हुरंगा है। ये पूरे विश्व में होली खेली जाती है। यहां एक अलौकिक हुरंगा होता है। पूरे ब्रजमंडल के ब्रजवासी अपने घरों से टेसू के रंग ला के यहाँ आनंदित होते हैं और यहाँ मर्यादा को पूरा रखा जाता है। देखिए, आप बिल्कुल गौर से देखना, सारे ब्रजवासी अपने अपने रंग में रंगे हुए हैं और इसके लिए देवताओं को भी ललायत रहते हैं कि भगवान हमें इस दाऊजी के हुरंगा में भी शामिल होते, बड़ा आनंद आता है। महिलाओं के कपड़े फाड़ने का कोई ऐसा भाव नहीं है, पर ये एक ये है ना कि आनंदित है, इसका कोई प्राचीन महत्व नहीं है, पर ये कि कोई वस्त्र शरीर पर ना रहे, इस पूर्ण तरह से रंग में रंग जाए, ये काले पीले वस्त्र हमारे बीच के प्रेम में ना आए, ये सौहार्द का रंग है, इसमें चढ़ना अनिवार्य है, ऐसा भाव। श्री महाराज का रंग हमको बहुत अच्छा लगता है, पसंद है। उसमें कपड़ों भारतीय जेवर के खूब नाच करती हैं, डांस करके खूब ऐसे बहुत अच्छा बढ़िया। 17 साल हाँ ऐसे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ चंदन कैरी और आप देख रहे हैं वॉइस फाउंडेशन। जैसा कि हम आपको बता दें, पूरे देश भर में होली की मस्ती की धूम मची हुई है, लेकिन अब होली का त्यौहार थमता जा रहा है, लेकिन ब्रज में अब भी होली अपने चरम पर है। हम आपको बता दें, कहा जाता है कि जग होली ब्रज हो रहा। जी हाँ, इस वक्त जहाँ सभी जगह होलियों का समापन चल रहा है, वहीं ब्रज में अभी होली और वाल पर है। आप देख सकते हैं, आज हम आपको लेकर आए हैं दाऊ जी के हुरंगा में। हम आपको बता दें कि यहाँ होली खत्म होने के साथ साथ हुरंगे की शुरुआत हो जाती है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यह नज़ारा है दाऊ जी के हुरंगा का, जहाँ हुलियारे अपनी मस्ती में चूर हो रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ हुरंगा शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ की महिलाएं अपने देवरों को कोड़ों से मारेंगी। उस दृश्य को देखने के लिए चारों ओर पब्लिक लगी हुई है और सभी ने पूरे हर जगह को कवर कर रखा है, जिससे कि कोई भी पल उनकी आंखों से ओझल ना हो। इसी प्रकार से अभी कुछ ही समय में यहाँ हुरंगे की शुरुआत हो जाएगी, फिर महिलाएं उन्हीं के कपड़ों से उन्हें ताबड़तोड़ मारेंगी। इसका दृश्य हम आपको जल्दी ही दिखाएंगे। देखते रहे वॉइस फाउंडेशन, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ चंदन चौधरी और आप देख रहे हैं वॉइस फाउंडेशन। इस वक्त हम मौजूद हैं दाऊ जी के हुरंगा में। जी हाँ, हम आपको बता दें कि हुरंगा, वैसे तो होली का पर्व सभी देश विदेश में मनाया जाता है, लेकिन दाऊ जी में हुरंगा एक अलग और अनोखे रूप में मनाया जाता है। हम आपको बता दें कि सभी जगह इस समय होली का समापन चल रहा है, लेकिन ब्रज में होली अब भी अपने चरम पर बढ़ती जा रही है।
अब आपको हम बता दें कि यहाँ होली के बाद हुरंगे का आयोजन होता है। आप देख सकते हैं इस वक्त आपकी तस्वीरों में दिखाई देने वाला यह नज़ारा है दाऊ जी के हुरंगा का। जी हाँ, यहाँ हम बता दें अभी रंगलाल के बीच हुलियारों ने हुलियारों के कपड़ों को फाड़ कर उन पर उन कपड़ों से कोड़े बरसाती हैं, जिनसे कि इस दृश्य को देखने के लिए शहर ही नहीं बल्कि देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ की हुलियारों ने हुलियारों के कपड़ों को फाड़ कर उन्हीं के ऊपर उनके कोड़े बरसा रही है। और हम आपको दिखा रहे हैं जो आपकी तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है डोला, इसे डोला कहा जाता है, जिसे लेकर हुलियारे मंदिर की परिक्रमा करते हैं और सभी एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल और फूल उड़ाते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ इस दृश्य को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आए हैं। आपको इन तस्वीरों में दिखाई देने वाला नज़ारा है दाऊ जी के हुरंगा का। हम आपको बता दें कि इसी प्रकार से मथुरा शहर में जगह जगह हुरंगे होते हैं, लेकिन दाऊ जी का हुरंगा विश्व प्रसिद्ध हुरंगा माना जाता है। इसी प्रकार की और भी खबरें दिखाने के लिए हम आपको दिखाते रहेंगे और देखते रहें वॉइस फॉर नेशन। नमस्कार नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ चंदन सैनी और आप देख रहे हैं वॉइस फॉर नेशन। आज हम आपको लेकर के आए हैं दाऊ जी के विश्व प्रसिद्ध हुरंगे में। जी हाँ, हम आपको बता दें कि दाऊ जी का विश्व प्रसिद्ध हुरंगा शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में मशहूर है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ सभी लोग दाऊ जी के हुरंगे की मस्ती में नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ ये सभी कल्याण देव जी के वंशज हैं जो हुरंगा खेल रहे हैं। यहाँ पर भाभियाँ देवरों के कपड़ों को फाड़ कर कोड़ा बनाती है और फिर उन कोड़ों को देवरों पर बरसाती है। आप देख सकते हो किस प्रकार से भाभियाँ देवरों पर कोड़े बरसा रही हैं और ये कोड़े इनके भले ही लग रहे हो लेकिन इन कोड़ों का कोई बुरा नहीं मानता। हम आपको बता दें किस प्रकार से होली पूरे देश विदेश में मनाई जाती है, लेकिन ब्रज की होली का एक अनोखा रूप है, क्योंकि अब होली सभी जगह खत्म हो चुकी है, लेकिन ब्रज में होली खत्म होते ही हुरंगा की शुरुआत हो जाती है और यह हुरंगा 7 दिनों तक लगातार चलता है। आप देख सकते हैं आज जो नज़ारा आपकी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वह नज़ारा है दाऊ जी के हुरंगे का। यह नज़ारा दाऊ जी के हुरंगा देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ पर दाऊ जी ने हुरंगा खेला था, तभी से यह परंपरा चली आ रही है। इसी प्रकार से यहाँ अपने टेसू के फूलों का रंग बनाया जाता है, तब उस रंग से हुरंगा खेला जाता है। आप देखिए किस प्रकार से इस हुरंगे को देखने के लिए देश विदेश से लोग आए हैं। यहाँ पर श्रद्धालु अपने मन में काफ़ी आस्थाएं लेकर आते हैं और सबके मन में यही रहता है कि हम हर बार यहाँ पर दाऊ जी का हुरंगा देखने आए। आप देखिए किस प्रकार से टेसू के रंगों का फूलों का रंग बहरा है और सभी एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं और सभी में यहाँ की जो लेडीज है महिला है वो कोड़े बरसा रही है। इसी प्रकार से यह प्रतिवर्ष दाऊ जी का हुरंगा खेला जाता है। और भी हम इसी प्रकार की खास खबरें आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वॉइस फॉर नेशन। नमस्कार।